एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जमुना मिश्रा और आज हम हमारे पॉडकास्ट सीरीज में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर पर। हम आज जानेंगे कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर में भी अपना करियर बना सकते हैं। इसीलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे आज के मेहमान हैं, डॉक्टर दीपक सिन्हा सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फ्रॉम सेज यूनिवर्सिटी इंदौर। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, सेज आनंदम। सर, आज सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर में जिस तरह का ट्रेंड चेंज हुआ है, तो किस तरह की नई टेक्नोलॉजी और एक नया दौर आया है, तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए मैडम, एग्रीकल्चर इंसान के साथ बहुत पुराने टाइम से चल रहा है जी। हम लोगों ने एक्चुअली एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स आज के डेट में कर लिया है जो कि एग्रीकल्चर को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नई तकनीक में अगर देखा जाए तो ड्रोन का उपयोग हो रहा है, एआई का उपयोग हो रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है। अगर हम जीनोमिक्स में जाएं तो हम क्रॉप के और जो हमारे कीटाणु है उनके भी जीनोम तक पहुंच चुके हैं, तो उसमें हम बदलाव करके चीजों का रुख पूरा बदल रहे हैं। तो देखा जाए, अगर आज के डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आईटी में हो चुका है, वो सारे के सारे ट्रांसलेट हो रहे हैं एग्रीकल्चर में। तो ग्रेजुअली सारी चीजों के साथ हम प्रोडक्शन में और क्वालिटी पे भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन सब विषयों के बारे में वो जाने, वो समझे, पढ़े और उसका उपयोग करें। जी बिल्कुल सर। सर, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी आई है, कुछ नए ऐसे इनोवेशंस हुए हैं जो स्टूडेंट्स के लिए आज के टाइम में बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर में इन चीजों को जानना। जी मैडम, है बहुत सारी चीजें हैं आज के डेट में। जैसे एक एग्जाम्पल, मैं शॉर्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ। पहले ट्रैकिंग इंसेक्ट्स का होता नहीं था जी। आज के डेट में जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग होती है। ओ, यानी कि इंसेक्ट्स के ऊपर हम इस तरह से जीपीएस को टारगेट करते हैं ताकि वो ये पता लगा पाए कि अब इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन, इंसेक्ट अटैक कब होने वाला है और किस जगह पे होने वाला है। ये भी एक नया तकनीक है। इसके अलावा एआई से आप आज के डेट में अगर आप मार्केट में जाते हो, आप अगर कोई भी फ्रूट बाय करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने जामुन लिया, जामुन का प्राइस इतना हाई क्यों रहता है? क्योंकि उसमें उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा नहीं है बल्कि उसका प्लकिंग का कॉस्ट ज़्यादा है। तो वहाँ AI ने अपना योगदान दिया है। ओके सर, एग्रीकल्चर में किस तरह के कौन कौन से कोर्सेज आप ऑफर करते हैं सेज यूनिवर्सिटी में? सेज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज BSc एग्रीकल्चर कोर्स ऑफर करता है जिसका इनटेक 240 है। हम लोग ICR का जो करिकुलम है उस करिकुलम को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। हमारा जो मानना है मैडम, मैं यहाँ बहुत ही क्लियर करना चाहूंगा कि कोई स्टूडेंट एक्चुअली में एडमिशन क्यों लेता है, उसको कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने का मुख्य तीन उद्देश्य होता है। या तो वो हायर स्टडीज में जाना चाहता है, मास्टर्स कोर्स करना चाहे, या तो वो खुद का अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करे, या फिर वो रिसर्च में जाए। तो सेज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज ये तीनों एस्पेक्ट को टच करता है। मैं वही बात करती हूँ कि अगर मैं ऑर्गेनिक या एग्री बिजनेस की बात करती हूँ, जो स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो किस तरह का उनके लिए भी स्कोप है? मैडम, कोरोना काल के बाद लोगों का रुझान जो है ऑर्गेनिक की तरफ काफी बढ़ा है जी। अगर हम पर्टिकुलरली इंदौर को देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर के बच्चे और उसके अलावा भी बाकी एंटरप्रेन्योर्स भी, दूसरे डिपार्टमेंट्स के, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, मैनेजमेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने खुद का अपना सेटअप किया हुआ। इवन सर, मैं तो ये कहूंगी घर घर में लोग खेती करने लगे हैं, घर घर में अपने वेजिटेबल्स और सारी चीजें उगाने लगे, तो स्टूडेंट्स के लिए यही करियर दिखना शुरू हो जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, एक्चुअली चूंकि लैंड जो है वो कम होते जा रहा है जी, तो किसी भी कीमत पे आज के डेट में एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अराइज कर रहा है जहाँ पे बच्चे कम लैंड में या अपने मकान में या कुछ इनोवेटिव वे से, जैसे हाइड्रोपोनिक्स हो गया, एरोपोनिक्स हो गया, या कोई इनोवेटिव वे यूज करके प्रोडक्शन की ओर जा सकता है। ओके सर, सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि ऐसी कुछ स्टूडेंट्स की जर्नी जो आपके यहाँ से स्टूडेंट्स ने कोर्स किया है और उसके बाद उनके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो फर्दर एजुकेशन के लिए बाहर गए हैं या उन्होंने खुद ने अपना स्टार्टअप डाला है, ऐसी कुछ सक्सेस स्टोरी अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें तो। जी मैडम, दो तीन तो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। एक बच्चे का सक्सेस स्टोरी बताऊंगा मैं, सिंह, रघुवीर सिंह नाम है उसका जी। उस बच्चे ने खुद का अपने BSc कंप्लीट होने के बाद खुद का अपना स्टार्टअप किया
और आज वो लगभग 4 कंपनी का सीईओ है। उसने बहुत सारे डाइवर्स फील्ड में उसने अपना स्टार्टअप जर्नी से करते हुए काफ़ी सारा अपना बिजनेस को एक्सपैंड किया, इवन डेयरी में भी आज के डेट में है। एक ये एग्जाम्पल है। और एक अनुभव सिंह चौहान का मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ जो 2018 बैच का स्टूडेंट है। ये वो बच्चा आज के डेट में IIM क्वालिफाई करने के बाद उसने मैनेज हैदराबाद का भी एग्जाम क्वालिफाई किया और मैनेज हैदराबाद में ABM कर रहा है। तो वो एक प्रॉमिसिंग एलिमेंट है कल को जाकर के जो हमारे देश में कोई बहुत बड़े लेवल पे अपना योगदान दे सकता है। थैंक यू सो मच सर आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और थैंक यू सो मच हमारे सारे व्यूअर्स को हमारी पॉडकास्ट सीरीज को देखने के लिए। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।